अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी ला अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में है। बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस बारे में हमसे जो है रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान स्टडी के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताया जाए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये है कि पाकिस्तान स्टडीज जो है वो न्यू सिलेबस के मुताबिक ये अब हिस्सा बन चुकी है जी, पार्ट वन का। और चूंकि ये पार्ट वन का हिस्सा बन चुका, पहले ये पार्ट टू में थी, अब ये पार्ट वन में आ गई है। तो पार्ट वन में आई है तो ये इसमें वहां पे इसके 50 मार्क्स हैं, 50 नंबर हैं। पहले इसके 60 मार्क्स हुआ करते थे पार्ट टू में, लेकिन पार्ट वन में न्यू सिलेबस के मुताबिक इसके कितने मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं। ओके जी, और ये पेपर एक ही है। याद रखिएगा कि इस्लामिक स्टडीज वो भी 50 नंबर की है और पाकिस्तान स्टडीज ये भी 50 नंबर की है। दोनों का पेपर नंबर 5 है और ये पेपर एक दिन ही होना है। ठीक है जी, पहला फर्ज कर लें कि जो है वो 2 घंटे का, फिर दूसरा 2 घंटे का, तो ये पेपर एक एक दिन ही आपका होना है। ठीक हो गया जी। तो हमने आज आपको सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताना है। ओके जी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें क्या हैं? ये डियर स्टूडेंट्स, मैंने 10 आइडियाज आपको देने हैं, 10 कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने हैं। स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा ये बात, जब हम उनको नोट शेयर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा उनका होता है जी कि ये तो थोड़े से सवाल हैं, इतना बड़ा सिलेबस है पाक स्टडी का। तो भाई इतना जितना मर्जी बड़ा सिलेबस हो, ये जो हम 10 चीजें आपको देने लगे हैं, ये इंशाल्लाह आपकी तमाम जरूरियात जो हैं वो पूरी कर देंगे। यहाँ पर देखें तो सही, हम आपको बताने का लगे हैं, ये 10 सवाल आपके 30 बन जाएंगे, ये 20 बन जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात के ऊपर ना रह जाइएगा कि ये 10 बताया, तो इसके अंदर गहराई देखें क्या कुछ हम आपको बताने लगे हैं। सबसे पहले है टॉपिक, हॉट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप क्या कुछ पढ़ेंगे, नोट करते जाएं, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको इसका मीनिंग आना चाहिए, आपको इसके असेंशियल एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एज इलेबोरेटेड बाय द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एज इलेबोरेटेड बाय द अलामा मोहम्मद इकबाल बाय हिज स्पीचेस एंड बाय हिज क्या कहते हैं कि पोएट्री। ओके जी, ये चीजें होगी सारी जी। ठीक है, तो ये देखें 5 आइडियाज आपको यहां पर डिस्कस करने पड़ेंगे। फिर टू नेशन थ्योरी जो है वो भी कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है वो भी। ठीक है, तो जहां पर भी ये चीजें आ जाएं सारी, तो सारी सारी आपकी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। तो अगला सवाल है हमारे पास कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, बहुत अहम सवाल है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का, और इसमें पूछा क्या जाता है, पॉलिसीज अगेंस्ट मुस्लिम्स, और फिर पूछा जाता है क्रिटिकल नोट ऑन इट्स वर्किंग, क्रिटिकल नोट ऑन इट्स वर्किंग कि इसने वर्क कैसे किया। ठीक है, तो इसकी सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपने लिखनी है, और इसका जो है वो सारा आपने बताना है कि ये पॉलिसी मुसलमानों के खिलाफ कैसे बनी। इसके बाद जी हम चलते हैं मार्शल लॉज। मुल्क में 4 मार्शल लॉज रहे, एक जो है वो सिविल मार्शल लॉज को कहा जाता है भुट्टो का। तो ये 4 मार्शल लॉज के अंदर बहुत कुछ है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉजेज हैं, इफेक्ट्स क्या हुए, बेनिफिट्स क्या हुए, लॉस हमें क्या हुआ, ये सारे का सारा पढ़ना है। 4 मार्शल लॉज आपने पढ़ने हैं। ओके, आगे चले। फिर इस्लामाइजेशन एक हमारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये 2 तरह से पूछा जाता है। एक है इस्लामाइजेशन बाय जियाउल हक, मिस्टर जियाउल हक मरहूम ने जो इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया वो क्या है, एक ये होता है। दूसरा स्टेप्स टेकन फॉर द इस्लामाइजेशन, ठीक है जी, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, कौन कौन से चीजें की गई, ये एक अलहदा सवाल होता है, एक जियाउल हक के साथ मंसूब है, और एक ओवरऑल क्वेश्चन आएगा इस्लामाइजेशन का।
इसके बाद आज सर्वसिद्ध के अंदर सर्वसिद्ध सर्वसिद्ध यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। सर्वसिद्ध मोहम्मद अली जिना एज अ गवर्नर एंड मोहम्मद अली जिना एज अ पॉलिटिकल लीडर एंड मोहम्मद अली जिना एज अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तीन चीजें बता रहा हूं मोहम्मद अली जिना की, गवर्नर, फाउंडर, पॉलिटिकल लीडर, उसकी सर्वसिद्ध बताएं। ओके, नंबर टू। फिर दूसरी, शाह वली अल्लाह की जो एजुकेशनल सर्विसेज है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, पॉलिटिकल सर्विसेज है, उनके बारे में हमें बताया जाए। फिर सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान की सर्विसेज, पॉलिटिकल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, इकोनॉमिकल सर्विसेज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तीन सर्विसेज आपने यहां पे लिखनी है। आगे, इस्लामिक प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसमें इस्लामिक प्रोविजंस कौन कौन सी हैं, या इस्लामिक करैक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी वो पूछ सकता है। इस्लामिक करैक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामिक प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ओके, आगे फिर कश्मीर का इशू है। कश्मीर, इसमें अक्सर क्या पूछता है, सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इज असेंशियल फॉर द साउथ एशियन पीस। तो कश्मीर की कॉजेज क्या है और साउथ एशियन जो कहने के जो पीस है उसके लिए क्यों अहम है, ठीक है। तो बहुत अहम सवाल है कश्मीर का भी। इसके बाद माइनॉरिटी राइट्स एज इलेबोरेटेड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। माइनॉरिटी राइट्स कौन कौन से हैं, जैसा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने बयान किया है, तो उसके मुताबिक बताएं हमें। फिर उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए कहोने के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अहम सवाल है। इसके बाद ये भी बहुत अहम तरीन सवाल है, इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर मुस्लिम वर्ल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान की क्या अहमियत है, या जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी नजर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर आपने देख लेना है, इनमें से जो चीजें भी आपको बताई गई हैं वो नहीं आपने छोड़नी। और एक और बात, कायदे आजम सॉरी अलामा इकबाल के बारे में, कि अलामा इकबाल का जो खुतबा इलाहाबाद है, एक तो अलामा इकबाल की आइडियोलॉजी पूछी जाती है ना, एक खुतबा इलाहाबाद जो है वो अलामा इकबाल का पूछा जाता है, तो अलाहाबाद एड्रेस जो है वो भी आपने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ, वो जो कहते हैं अलाहाबाद एड्रेस 1930 का, ठीक है। तो कायदे आजम की जिस तरह मैंने सारी डिटेल बताई, इस तरह अलामा इकबाल की भी जो आइडियालॉजी है वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनका खुतबा अलाहाबाद जो है वो भी आपने हर हाल में करना है। सो थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।